हेलो एवरीवन, दिस इज विद्वान सिंह फ्रॉम गैलेक्सी इंग्लिश एकेडमी। चलिए आज सीखते हैं सेंटेंस के पार्ट्स। देखिए, सेंटेंस को जनरली टू पार्ट्स में बाइफर्केट किया जाता है। फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है और सेकंड पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है, अबाउट विच द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिस्क्राइबिंग। सेंटेंस का बाकी बचा हुआ हिस्सा जिसको डिस्क्राइब कर रहा हो उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। द पार्ट विच इज डिस्क्राइबिंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का वर्णन करने वाला, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने वाला जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ये दो पार्ट आपको समझ में आ गए। इसके बाद सब्जेक्ट को जनरली मैक्सिमम फोर पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, या इसे ऐसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के मैक्सिमम फोर पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए, पहला पार्ट होता है डिटरमाइनर, सेकंड होता है एडजेक्टिव या इसी को क्वालिफायर भी कहते हैं, सेकेंड को कहते, थर्ड को कहते हैं हम मेन वर्ड या हेड वर्ड, उसके बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी हल्का सा समझ लेते हैं। डिटरमाइनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसके मीनिंग को स्पष्ट करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म्स में। कई बार उनके नंबर को, कई बार उनकी पोजिशन को, अलग अलग चीजों में। इसको हम डिटरमाइनर के अलग चैप्टर में समझेंगे अच्छे से। एडजेक्टिव, सॉरी ये लगने से नहीं गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वो पार्ट होता है इस सब्जेक्ट का जो नाउन को क्वालिफाई करता है या इस मेन वर्ड को क्वालिफाई करता है, इसीलिए इस एडजेक्टिव को क्वालिफायर भी कह देते हैं, क्योंकि इसका नाम इसका काम क्वालिफाई करना होता है मेन वर्ड को। उसके बाद आता है मेन वर्ड। इस सब्जेक्ट में जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो इसी मेन वर्ड की होती है। कई बार सेंटेंस में हो सकता है डिटरमाइनर ना आए, एडजेक्टिव ना आए और एडजेक्टिवल फ्रेज ना हो, लेकिन मेन वर्ड जरूर होगा। इस मेन वर्ड को हेल्प करने के लिए, उसको और ज्यादा इलाबोरेट करने के लिए ही डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेजेस आते हैं, ठीक। इसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज वो फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है, मतलब इस मेन वर्ड या इस नाउन को ही क्वालिफाई करने का ही काम करता है। उसके बाद प्रेडिकेट के पार्ट्स हम देख लेते हैं। प्रेडिकेट के थ्री पार्ट्स होते हैं मेजर, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। वर्ब क्या है? वर्ब या तो एक्शन को शो करती होगी या फिर किसी स्टेट को, किसी स्थिति को शो करती होगी। स्टेट मतलब स्थिति। अब यहां पर हमने केवल जनरली दो ही फॉर्म में इनको बाइफरकेट किया है, नंबर वन हेल्पिंग वर्ब, नंबर टू मेन वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है हमेशा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बाद में, लेकिन इसको आप इनकी पोजिशन को चेंज भी कर सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट को पहले और इनडायरेक्ट को बाद में भी लिख सकते हो, मगर उसमें आपको टू लगाना पड़ेगा। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, तो बीच में हम टू ऐड कर देते हैं। क्लियर हो गया? कॉम्प्लीमेंट लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस का वो पार्ट है जो बहुत ज्यादा यूजफुल तो नहीं होता, लेकिन सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने का काम करता है। ये कंप्लीट से बना है कॉम्प्लीमेंट। कंप्लीट वर्ब है और कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव है। कंप्लीट और सॉरी कॉम्प्लीमेंट नाउन है, तो कंप्लीट से बना होना होने कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? इसको केवल सेंटेंस का मीनिंग क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता। अब देखिए, हाँ, इसका जो मेन रोल होता है कॉम्प्लीमेंट का, वो लिंकिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस में होता है। ये आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता देता हूं। जैसे सेंटेंस लिखा है ही इज माई फ्रेंड, तो यहां पे जो इज है कोई एक्शन नहीं कर रही है, इसके साथ कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है, ये खुद ही यहां पर मेन वर्ब है और इसी को कहते हैं हम लिंकिंग वर्ब।
ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ कॉम्प्लीमेंट होता है। तो माय फ्रेंड जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। अब नीचे और भी कुछ लिखा हुआ है, इससे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी मैंने क्या किया हुआ है, यहां देखिए बाइफर्केट किया हुआ है, स्प्लिट किया हुआ है फोर फोर पार्ट्स में, और वही वाले पार्ट जो इधर लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों किया हुआ है? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वहां पर भी नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन और प्रोनाउन आ सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम नाउन और प्रोनाउन ही कर सकते हैं। तो जब प्रोनाउन आएगा तब तो इन तीनों का, डिटरमाइनर का, एडजेक्टिव का और एडजेक्टिवल फ्रेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन जब नाउन आएगा, प्रोनाउन के साथ इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब नाउन आएगा वर्ड कोई यहां पर इस मेन वर्ड की जगह पे, यहां पे भी ऑब्जेक्ट में भी सेम केस यही है, तो ये तीनों के साथ आते हैं। तो वो नाउन यहां भी हो सकता है ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है, नाउन यहां भी हो सकता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो जब नाउन आएगा तो उसके साथ ये चारों, ये तीनों भी आ सकते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। यहां भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज, ठीक है। अब पहले आप इन्हें भूल जाइए नीचे वालों को, अभी इन्हें साफ किए देते हैं इसे एरो को, ताकि कंफ्यूजन ना हो। फिलहाल माइंड में सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है, सेंटेंस के दो पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के फोर पार्ट्स होते हैं मैक्सिमम, एक भी हो सकता है लेकिन कम से कम दो। प्रेडिकेट के थ्री पार्ट्स होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। वर्ब दो तरह की होती है, हेल्पिंग और मेन वर्ब। यहां पे ऐसा बता रहा हूं, वर्ब वाले चैप्टर में आपको अलग से बताया जाएगा पूरा चार्ट वर्ब का, वर्ब कितने टाइप्स की होती है। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट आता है साथ में, ठीक है। इसके लिए मैंने आपके एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहां पर, नीचे देखिए। इस एग्जाम्पल में लिखा है अ यंग बॉय ऑफ 10। पहले जो रेड वाले वर्ड्स लिखे हैं इन्हें देखेंगे हम पहले। अ यंग बॉय ऑफ 10 वॉज कॉलिंग मी, 10 साल का एक लड़का मुझे पुकार रहा था। क्या पुकार रहा था? टीचर। वो मुझे टीचर कह के पुकार रहा था यस्टरडे, कल। कल 10 साल का एक लड़का मुझे टीचर कह के पुकार रहा था। तो यहां पे मैंने सबको अलग अलग यहां पर हाईलाइट किया है। ए क्या है? ये डिटरमाइनर है। ये यंग क्या है? ये एडजेक्टिव है। और ये बॉय मेन वर्ड है। क्यों मेन वर्ड है बॉय? क्योंकि ये बॉय ही यंग है। ए कौन है? ए भी बॉय है। एक कौन है? एक भी लड़का ही है ना। और 10 साल का कौन है? वो भी लड़का ही है। ये तीनों जो पार्ट है बाकी सब्जेक्ट के, वो इस बॉय के बारे में बता रहे हैं। तो यही मेन वर्ड है, सारी बात इसी के बारे में हो रही है। और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, लड़का कैसा है? 10 साल का। तो लड़का, लड़के की विशेषताएं दो चीजों से बताई जा रही है यहाँ पे। एक तो लड़का कैसा है? यंग, छोटा। और दूसरा कैसा है? 10 साल का। तो ये दो शब्द भी इसी की विशेषता बता रहे हैं। अब दो शब्द का एडजेक्टिव तो कह नहीं सकते, एडजेक्टिव तो एक शब्द का होता है। एक शब्द से ज्यादा का विशेषता बताने वाला जो ग्रुप होता है वर्ड्स का, उसी को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब है। कॉलिंग मेन वर्ब है। ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये टीचर, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये स्टडी क्या है? ये स्टडी है आपका कॉम्प्लीमेंट। अब ऐसा हो सकता है कि कई बार ये जो आपका मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसके प्लेस पर एक बड़ा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ सकता है जिसमें ये चारों पार्ट हो। कैसे? और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह भी कुछ और आ सकता है लिखा हुआ, उन्हीं के सब्स्टिट्यूट मैंने नीचे लिखे हैं। जैसे अ क्यूट गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली एक सुंदर सी लड़की, एक प्यारी सी लड़की, टोकरी वाली एक प्यारी सी लड़की, ये लिखा हुआ है यहां पर। फिर आगे क्या लिखा है हमने? किसी जगह लिखा है मी की जगह लिखा है हमने। फिर आगे क्या लिखा है? टीचर, टीचर की जगह हमने लिख दिया हिज बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिज क्लास, उसकी क्लास की उसकी सबसे अच्छी फ्रेंड। अब सेंटेंस क्या बनेगा? 10 साल का एक छोटा लड़का, 10 साल का एक छोटा लड़का वॉज कॉलिंग, पुकार रहा था। किसको पुकार रहा था? अ क्यूट गर्ल विद अ बास्केट, टोकरी वाली एक सुंदर सी लड़की को। दोबारा सुनेंगे, 10 साल का एक लड़का टोकरी वाली एक सुंदर लड़की को पुकार रहा था, कॉल कर रहा था। कॉल का मतलब सिर्फ बुलाना ही नहीं होता, कुछ कह के पुकारना भी होता है।
तो उसे कॉल कर रहा था, उसे पुकार रहा था, कुछ कह के पुकार रहा था। क्या कह के पुकार रहा था? अपनी क्लास की अपनी सबसे अच्छी मित्र, ये कह के पुकार रहा था वो। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे टीचर को, और यहाँ मी को रिप्लेस कर दिया। इस तरह सेंटेंसेस आ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें प्रेडिकेट पहले होता है और सब्जेक्ट बाद में होता है। इसके बाद देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको ऊपर वाले दो सेंटेंसेस पे ध्यान देना है। जो फर्स्ट सेंटेंस है, दे वर टेकिंग देयर वेजेस, में दे सब्जेक्ट है और वर टेकिंग देयर वेजेस ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। अब पहचान ये है आपको, जो आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, उसका तरीका ये है कि जहां से वर्ब शुरू हो रही हो, वेदर इट इज हेल्पिंग और मेन, वर्ब चाहे हेल्पिंग हो या मेन हो, जहां से शुरू हो रही है बस वहीं से प्रेडिकेट शुरू हो जाता है, उससे पहले का सारा पार्ट सब्जेक्ट होता है। सेम यहां पे पहचानते हैं, शी सब्जेक्ट, ओपन वर्ब है, तो यहां से क्या शुरू हो गया? प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट, क्लियर। लेकिन नीचे लिखे हुए जो सेंटेंसेस हैं इन्हें जरा ध्यान से देखिए, इनमें कुछ डिफरेंट चीज हमें नजर आ रही है। गॉन वर्ब है, आर भी वर्ब है, और द डेज बाद में लिखा हुआ है। सेंटेंस का मीनिंग है वो दिन चले गए, गॉन आर द डेज, वो दिन चले गए। तो यहां पे सही सेंटेंस फॉर्मेशन के हिसाब से द डेज पहले आना चाहिए था, सेंटेंस होना चाहिए था द डेज आर गॉन या हैव गॉन, ठीक है, ये होना चाहिए था। इस सेंटेंस से लिखा है गॉन आर डेज, तो यहां पर वो दोनों पहले हैं और सब्जेक्ट बाद में है। उसके बाद यानी हम कह सकते हैं प्रेडिकेट पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। नेक्स्ट सेंटेंस में सेम केस है। अप वेंट, वेंट वर्ब है, इसके बाद कोई वर्ब नहीं है। द होप्स ऑफ डर्बी एंड हिज अंकल, डर्बी और उसके अंकल की जो होप्स थी, जो आशाएं थी, वो ऊपर चली गई, मतलब आशाएं काफी ज्यादा हो गई उनकी। तो वर्ब जो है वो यहां पे आ गई है, यहां ये वर्ब थी, दोनों वर्ब थी, यहां पर ये वर्ब है। तो वर्ब वर्ब से पहले का सब्जेक्ट नहीं हो सकता, यहां पे अप सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन या प्रोनाउन होगा कोई। सो यहां पर वर्ब शुरू में है और सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट डर्बी और उसके अंकल की आशाएं, ये सब्जेक्ट है, वो बाद में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट बाद में है, प्रेडिकेट पहले। सेम थिंग इज इन द नेक्स्ट सेंटेंस, डाउन वेंट द प्रॉफिट, द प्रॉफिट सब्जेक्ट है, वो बाद में लिखा है और प्रेडिकेट डाउन वेंट पहले लिखा है। सेम सेंटेंस क्विकली पास, देखिए सेम थिंग इज देयर इन द नेक्स्ट सेंटेंस, क्विकली पास वर्ब है, पास यहां पर आ गया प्रेडिकेट, और द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी ये सब्जेक्ट था सेंटेंस का। क्या मीनिंग है? मीनिंग ये है, द डेज ऑफ मिल्क एंड हनी एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है अच्छे दिन, जो सुखद दिन होते हैं, जो अच्छे दिन होते हैं वो जल्दी बीत जाते हैं। ऐसे ही ऊपर वाला था द प्रॉफिट, डाउन वेंट द प्रॉफिट, प्रॉफिट नीचे चला गया, तो द प्रॉफिट पहले आना चाहिए था लेकिन बाद में आया है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? जस्ट टू ले एम्फेसिस, एम्फेसिस ले करने के लिए। जब हमें किसी सेंटेंस या किसी बात पर विशेष जोर देना होता है तब हम इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको, उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।